हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन लाइफ रिया। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लैंटेना फ्लावर प्लांट्स कैसे रिपोर्टिंग एंड केयर करते हैं। तो देखो, पहले मैंने पॉटिंग मिक्स बना लिया। तो मिट्टी, काउडंग कंपोस्ट, नीमखली, थोड़ी सी हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट, थोड़ी सी फंजीसाइड मिला लिया। तो उसके बाद मिट्टी की एक पॉट ले लिया। तो थोड़ी मात्रा में मिट्टी भर लिया। तो इस तरह मिट्टी को दबा देना। नर्सरी से मैं ये लैंटेना प्लांट लेकर आया हूँ। तो देखो, मिडिल प्लेस में इसे रख देना। उसके बाद चारी तरफ से थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी भर देना। ये बहुत नॉर्मल केयर फ्लावर प्लांट्स है, सालों भर फ्लावर देती है। खूबसूरत इसकी फ्लावर भी है। तो देखो, हल्की हाथों से मिट्टी को दबा देना। उसके बाद पानी डाल देना। कोई भी शेडी एरिया में इसे 3 और 4 डेज रख देना। उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में इसे रख सकते हो। एक बार पानी देने के बाद 3 और 4 डेज बाद इसे पानी देना। जब भी मिट्टी सूखा सूखा लगे तभी पानी देना चाहिए। तो देखो कितनी सारी मेरी खूबसूरत ये फ्लावर की कलर है। तो ये मैंने अप्रैल मंथ में ये प्लांट रिपोर्टिंग किया था। तो आज देखो ये कितनी सारी ब्रांच इसकी आ गई एवं कितनी सारी फ्लावर भी खिल रही है। बहुत खूबसूरत इसकी फ्लावर। जो फ्लावर सूख जाती है उसकी जो ब्रांचेस है उसे काट कर देना है। तो उसके बाद बहुत सारी नई नई शूट्स आएगी, फ्लावर भी आएगी। साल भर ये फ्लावर खिलती है। तो देखो कितनी सुंदर है ये लैंटेना फ्लावर। तो कोई भी एक्स्ट्रा केयर जरूरी नहीं है। जब अदर्स प्लांट को मैं खाद देता हूँ, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती हूँ, तो इसे भी थोड़ी दे देती हूँ। तो देखो कोई एक्स्ट्रा केयर मैंने नहीं किया, तब भी कितनी सारी फ्लावर खिल रही है। तो आप लोगों में भी ये फ्लावर जरूर लगाना। तो देखो कितनी सुंदर ये फ्लावर। कोई भी एक्स्ट्रा केयर करने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल केयर से आप इतनी सारी फ्लावर पाओगे। तो मेरी ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। तो आज के लिए बाय बाय।